नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। कन्या राशि सूर्य 15 जून से नवम भाव से निकलकर दशम भाव में गोचर करेंगे मित्र बुध की राशि में, मिथुन राशि में, लेकिन राहु के साथ बनाएंगे ग्रहण दोष। 15 जून से महीने के अंत तक आपको सूर्य और राहु के ग्रहण दोष का सामना करना पड़ेगा दशम भाव में। हम सिर्फ इस महीने की बात कर रहे हैं, जुलाई की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी आप 15 जून से लेके महीने के अंत तक सूर्य और राहु के ग्रहण दोष में होंगे, जो ग्रहण दोष आपके दशम भाव में बनेगा यानी कर्म क्षेत्र में। ग्रहों के देवता सूर्य 15 जून से महीने के अंत तक दशम भाव में ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। राहु और सूर्य की युति होगी, यह युति दशम भाव में होगी और यह युति अशुभ मानी गई है। लगभग 85-90% यह युति हानि पहुंचाती है, कुछ ही मामलों में यह युति लाभकारी रहती है। तो यही सब जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे लग्न राशि से देखकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, धन का नाश होगा, पारिवारिक सुख शांति में कमी आएगी, नौकरी व्यापार में हानि की संभावनाएं बनेंगी, बड़े उच्च अधिकारियों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा अपने कार्य क्षेत्र में। पिताजी से वाद विवाद हो सकता है, संपत्ति के मामलों में झगड़े बढ़ सकते हैं, आपके रिश्ते पास पड़ोस रिश्तेदार और नातेदारों से मित्रों से बिगड़ सकते हैं, सहकर्मियों से बिगड़ सकते हैं, खास करके जो भी लोग आपसे ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं या उच्च अधिकारी हैं या फिर आपसे बड़ी उम्र के हैं, उनसे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आपके मन में गंदे गंदे विचार आ सकते हैं, आप इस समय में नेगेटिव बातों को सोच सकते हैं, आप इस समय में ऐसे विचारों को ज़्यादा लेकर आएंगे जो विचलित कर देंगे, यानी कि आपका ध्यान आपके काम से भंग कर देंगे, वासना की तरफ आप ज़्यादा जा सकते हैं। आपके शरीर पर काले दाग पड़ सकते हैं या त्वचा संबंधी कोई रोग या परेशानी बढ़ सकती है। 21 तारीख के बाद जब मंगल नीच के होंगे तो आपकी संतान को भी कष्ट होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खास करके जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखें और जिनके बच्चे बड़े हैं वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखें, दुर्घटना इत्यादि से बचाएं और किसी गलत संगति में ना पड़ जाएं उससे बचें, सेहत का भी ध्यान रखें। आप सभी को सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, शत्रु षड्यंत्र कर सकता है और उसके षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं। सेहत को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता बिल्कुल भी ना करें, कोई भी दुख तकलीफ होती है परेशानी होती है तो उसकी मुक्ति के लिए तुरंत अच्छी सलाह लें, डॉक्टर से मिलें या जिस भी प्रकार से उसका निवारण करें, किसी भी प्रकार से सेहत संबंधी मामलों में से उसको टालने की कोशिश ना करें। पारिवारिक सुखों में कमी आएगी, परिवार के लोगों में आपसी मतभेद मनभेद हो सकता है किसी भी विषय को लेकर, तो यहाँ पर परिवार में भी आपको सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रयास और उपाय करने पड़ेंगे। उपाय मैं वीडियो के अंत में आपको अवश्य बताऊंगा। अभी आप जान लीजिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और क्या कुछ आपके साथ घटित हो सकता है, आप चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो या बच्चे हो। इसके विपरीत यदि आपकी लग्न कुंडली में यानी जन्म कुंडली में सूर्य और राहु की स्थिति बलवान है तो आपको सरकारी पदों पर नौकरी दिलवा सकती है या पदोन्नति करवा सकती है, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। और ग्रहण दोष आपको बहुत परेशान कर सकता है स्वास्थ्य को लेकर, सेहत संबंधी मामलों में जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको सावधानी रखनी होगी, इस बीच में आपको बार बार बुखार आ सकता है। और इसके विपरीत बात करते हैं कुछ शुभ परिणामों की, तो यदि आपकी लग्न कुंडली या जन्म कुंडली में सूर्य राहु की स्थिति बलवान है, अच्छी पोजिशंस में है, तो आपको सरकारी पदों पर नौकरी मिल सकती है या पदोन्नति हो सकती है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह ग्रहण दोष आपको असफलता परेशानी दुख देगा, तो इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। कर्म क्षेत्र का ग्रहण दोष विवाहित जीवन पर प्रभाव डालेगा, बच्चों की सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, विदेश जाने में परेशानियां पैदा करेगा, मुकदमेबाजी में हार का या हानि का सामना करना पड़ सकता है
और इसी के विपरीत यदि आपकी जन्म कुंडली या लग्न कुंडली में सूर्य राहु की स्थिति अच्छी है तो मुकदमेबाजी में आपको फायदा भी हो सकता है। विदेशी व्यापार में सावधानी रखनी होगी, माता पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, आपके बनते बनते काम रुक जाएंगे, अचानक से एक के बाद एक मुसीबत आनी शुरू हो सकती है, व्यर्थ के मामलों में आप फंसते चले जाएंगे, जहां पर आपका कोई लेना देना नहीं होगा उन मामलों में भी आपको घसीटा जा सकता है। यदि ये सब आपके साथ बहुत तेजी से घट रहा है और इस समय अंतराल में आपका नुकसान बढ़ रहा है, आपकी अच्छी खासी आमदनी कम हो रही है, सेहत बिगड़ रही है, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बच्चे काबू में नहीं आ रहे हैं या उनकी सेहत बहुत परेशान कर रही है, या मुकदमेबाजी का जो दौर है वह रुक नहीं रहा है, आप पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, बिना किसी गलती के आपको फंसाया जा रहा है या आरोप लगाए जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका ये जो सूर्य ग्रहण का जो दोष है वह बहुत तेजी से आपके ऊपर असर कर रहा है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने अनुभवों से थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा कि पहले और अब के समय में कितना परिवर्तन आया है। भाग्य और स्वास्थ्य दोनों खराब हो सकते हैं, तो विशेष सावधानी भाग्य को लेकर भी रखनी है और स्वास्थ्य को लेकर भी रखनी है। तो अब बात करते हैं उपाय की, तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही कोई काम शुरू करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य देव को जल दें, बहुत बढ़िया रहेगा। सोमवार को सफेद वस्त्रों का दान करें, अति उत्तम रहेगा। हनुमान जी की आराधना बहुत फायदा देगी, शिव जी की आराधना भी आपको बहुत फायदा देगी। राहु की वस्तुएं जैसे बादाम और नारियल को बहते हुए पानी में बहाएं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। आप इतना काम करते हैं तो आपके कष्टों में जरूर जरूर कमी आएगी और आपके जीवन में आपको बहुत सुख शांति मिलेगी। और इसके विपरीत एक बात कहना चाहूंगा, यदि आपकी लग्न कुंडली और जन्म कुंडली में भी ग्रहण दोष बना हुआ है और दशम भाव में बना हुआ है या किसी अन्य भाव में बना हुआ है तो आपके लिए परेशानियों की जो सीमा है वो बढ़ सकती है। तो इसलिए उपाय अवश्य करिएगा, घबराइएगा नहीं। घबराने के लिए या डराने के लिए हम आपके साथ ये वीडियो लेकर नहीं आते हैं, बताने के लिए लेके आते हैं और पहले लेके आते हैं ताकि आप पहले से ही सावधान हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, वक्त का सामना करेंगे और मुस्कुराएंगे। हरिओम, नमस्कार।